विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। बहुत बड़े अज्ञानी हो तुम। कदाचित ये भी ज्ञात नहीं है तुम्हें कि लौह कवच तो योद्धा को कुछ ही अस्त्रों से रक्षा करने में सक्षम होता। व्यक्ति के अच्छे कर्मों से बेहतर कोई कवच नहीं होता और बुरे कर्म उसके हर कवच को क्षीण कर देते हैं। केतु स्वर्ण आभूषण मंगल और शक्ति के प्रतीक, और ये शक्ति तब तक स्थिर रहती है जब तक स्वर्ण के प्रति कोई मोह या लोभ न जागृत हो। क्योंकि मंगल और शक्ति का सुदृढ़ कवच जिसके पास भी होता है उसे किसी भी अन्य कवच की आवश्यकता नहीं होती। लाल वस्त्रों का ये सौंदर्य धारण कर तुम ये कह रही हो कि तुम्हें किसी कवच की आवश्यकता नहीं। किंतु तुम भूल रही हो नारी कि युद्ध भूमि में लाल वस्त्र पहनकर नहीं आया जाता। वस्त्र तो यहाँ लाल होते हैं शत्रुओं के लहू से। अब ये दुष्ट अपने सर्वनाश के मुख में प्रवेश करने वाला ही है, क्योंकि इसके पाप का घट अब भरकर छलकने ही वाला है, जो इसे मृत्यु की ओर अग्रसर करेगा। जिस लाल रंग का तुम उपहास कर रहे हो वही लाल रंग क्रियाशीलता सृजनात्मकता का प्रतीक, वही लाल रंग जन सुख और समृद्धि का कारक, तो वही लाल रंग मृत्यु का भी कारक। आरंभ और अंत दोनों लाल रंग से ही होते हैं। इसीलिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरे लाल वस्त्र अभी और भी लाल होंगे तुम्हारे लहू से, जब मैं तुम्हारा संहार करूं। एक बार पुनः समझाता हूं तुम्हें, क्रियाशील होकर युद्ध में लहू बहाने की बात करने तुच्छ नारी के मुख से शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम नारियों की तो मात्र एक जीवा ही क्रियाशील होती है परस्पर कलह के लिए। अब अधर्मी दुर्गमासुर का पाप कलश पूर्ण रूप से भर चुका है। नियति की सेवा, तुम जैसे पापी का नाश कर। व्यर्थ में ही प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे पूर्व में ही तुम्हारा वध कर देना चाहिए था। तुम्हारा वध, तुम्हारा वध। कैसा से स्वरूप दिखाई दे रहा है इस दुष्ट दुर्गमासुर का। अधर्म देवराज, अधर्म और पापों का अंधकार है ये, जिससे सभी को दूर रहना चाहिए। किंतु उस दुष्ट ने तो संपूर्ण जीवन पाप कर्मों को अपना आभूषण माना है, दुराचार करने की प्रवृत्ति को वस्त्र के समान धारण किया, इसलिए अब इसके पापों की गागर फूटने पर ये उसके अंतर की कालिमा ही है, जो उसके स्याह स्वरूप से हमारे समक्ष प्रकट हुई है। क्या हुआ? प्रतीत होता है मेरे वास्तविक शक्तिशाली स्वरूप के दर्शन पाकर स्तब्ध रह गई ना। चलो साहस जुटाओ, युद्ध करो मुझसे, मुझे परास्त करो, और यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो जाओ, लौट जाओ अपनी दुर्बल देव सेना को साथ लेकर, जो युद्ध करने के स्थान पर तुम्हारे पीछे एकमात्र मूक दर्शक बन के खड़े हैं। नहीं देवगण भैया, इसके इन दुर्वचनों पर हमारी कोई प्रतिक्रिया उचित नहीं, क्योंकि इसे इसके इन शब्दों का उत्तर तो स्वयं माँ ही देंगी। गणेश, सर्वशक्तिशाली हूँ मैं, स्वीकार करो।
विश्वास नहीं, पाप है तुम्हारा, जो तुम्हारे शीश पर, तुम्हारी बुद्धि पर छाकर तुम्हें ऐसे दुर्वचन कहने पर प्रेरित कर रहा है। और मुझे तो इसी समय की प्रतीक्षा थी, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक पाप का दंड दूंगा। जिस नारी को तुमने तुझ समझा, तुझ पुकारा, वही अब तुम्हारी मृत्यु बनेगी। मृत्यु का भय नहीं है मुझे, क्योंकि मृत्यु पे तो विजय प्राप्त कर चुका हूँ मैं। इसलिए अब मेरी जीवा नहीं, अभी तू मेरे अस्त्र संवाद करेंगे तुमसे। मृत्यु अस्त्र। नो, मेरे इस प्रहार को संभालो। मेरे मृत्यु अस्त्र का अत्यंत विषैला धूम्र मृत्यु प्रदान करेगा तुम्हें, और यही है तुम्हारी नियति। महाविद्या माता धूमावती। गया जाप माला जयंती मध्यान्हे प्रौढ़ रूपा विकसित वदना चारु निद्रा निशाया संध्याया कृत रूपा गलित कुछ युगा मुंड माला वहंती सा देवी देव देवी त्रिभुवन जननी कालो कपातु युष्मा। ऐसा भयंकर दृश्य प्रकट हुआ है मेरे समक्ष, ये सत्य नहीं हो सकता। यही है तेरा अंतिम सत्य दुष्ट, तेरे मृत्यु अस्त्र के धूम्र में ही दिखाई दे गई ना तुझे अपनी मृत्यु। नहीं, ये मेरी मृत्यु नहीं, कोई माया है तुम्हारी, जिससे तुम मेरा मनोबल तोड़कर युद्ध में पराजित होने के स्थान पर तुम मुझे ही मेरे मन ने पराजित करने का प्रयास कर रही हो। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मेरे आसुरी अस्त्र तुम पर विफल हुए तो क्या हुआ, किंतु अपने दैविक अस्त्र का प्रयोग कर तुम्हारा संहार अवश्य करूंगा। वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र, देवी देवी कवच से सुरक्षित है, किंतु इन देवास्त्रों की संहारक ऊर्जा तो हमारे लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी संहारक सिद्ध हो सकती थी। हे
ज्वाला देवी अर्थात अग्नि और ताप की देवी। माता काली तो ऊर्जा के समस्त स्रोतों की नियंत्रक है। क्या हो रहा है? ये देवियां मेरे दैविक अस्त्रों के प्रभाव को कैसे नष्ट कर सकती हैं? ज्वाला ही है जो अग्नि अस्त्र को अपने उदर में समाहित कर उसे शांत कर सकती है, और माता काली वायु अस्त्र से उत्पन्न बवंडर को चीर कर आगे बढ़ने में सक्षम है। दुष्ट असुर, ये दैविक अस्त्र तेरे जैसे दुष्ट द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए नहीं है। सूरी ढाल मेरा कवच बनकर मेरी रक्षा करे। अर्थात तेरी मृत्यु के दर्शन हुए तुझे। ये थी वायु की वास्तविक शक्ति, अब देख ज्वाला की शक्ति क्या करती है तेरे साथ। उसे मेरी ओर प्रवाहित कर रही है, इसके ताप को शांत करना होगा मुझे। वरुण अस्त्र, माता से युद्ध करने के लिए वो अधर्मी दुर्गमासुर वैदिक अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। पहले उसने वायु और अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, अब वो दुष्ट लावा से रक्षित होने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग कर रहा है। मुझे वो दृश्य क्यों दिखाई दिया? पहचान अपनी मृत्यु को मूर्ख, जो तेरे अंतिम सत्य के रूप में तेरी ओर बढ़ रही है।
खोले तुम तक पहुंचने ही वाला है। इसका आभास हुआ तुम्हें दुर्गम असुर? नहीं, असंभव है मेरी मृत्यु। मैं अजय था, अजय हूँ और अजय रहूंगा। दुर्गम असुर हूँ मैं, दुर्गम असुर, दुर्गम असुर। मेरे एक तो अस्त्रों से सुरक्षित होगी तुम देवी, किंतु मेरे समस्त दैविक अस्त्रों के प्रहार से स्वयं को नहीं बचा सकोगी। तामसिक माता के 94 करोड़ अनुष्ठान का ही प्रतिफल है मेरे ये वैदिक अस्त्र, जो अब इस तुच्छ नारी के संहार में सहायक सिद्ध होंगे। नहीं होता, इन 9 देवियों ने उत्पन्न होकर मेरे समस्त दैविक अस्त्र नष्ट कर दिए। तुम्हारा वध तो मैं अवश्य करूंगा, अपने दैविक अस्त्रों से नहीं तो अपने असुरी अस्त्रों से तुम्हारा वध अवश्य करूंगा मैं देवी, अवश्य करूंगा। शक्ति का अजय हूँ मैं, ये देवी एक तुच्छ नारी मेरा वध कदापि नहीं कर सकती। दुर्गमासुर हूँ मैं, दुर्गमासुर हूँ मैं। ये क्या? मेरा शीश मेरे तन से विलग होकर नीचे गिरा हुआ है। क्या दोष? अपनी मृत्यु दिखाई दी तुम्हें? ये कैसा प्रपंच है? कभी एक देवी युद्ध करने आती तो कभी कोई और। तुमने घोषणा की थी कि तुम स्वयं युद्ध करने आओगी, तो फिर ये अनेक देवियां युद्ध में क्यों प्रस्तुत हो रही हैं? मूर्ख मंद बुद्धि दुर्गमासुर, जिन्हें तुम अनेक कह रहे वो सभी देवियां मुझसे ही उत्पन्न होती और मुझ में ही समाहित हो जाती। वो सभी देवियां मेरा ही रूप, एक ही। अच्छा, रूप। मंद बुद्धि मैं नहीं अपितु तुम हो देवी, जिसे यह भ्रम है कि तुम दुर्गमासुर की मृत्यु बनोगी। स्मरण करो मैंने क्या कहा था, दुर्गमासुर की मृत्यु दुर्गम ही नहीं अपितु असंभव भी है। Ha 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 ha!
मेरे सहस्त्र सशस्त्र हाथों को। जिस अनुष्ठान का सुझाव मुझे तुम्हारी एक सहयोगिनी से प्राप्त हुआ है, उसी से प्राप्त किए मैंने सहस्त्र हाथ। अब मैं देखता हूँ मेरे प्रहार का सामना कैसे करोगी तुम। ये दुष्ट तो अभी भी समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं भैया, इस पर तो इसके दंभ का ही प्रभाव छाया है, जिसने इसकी बुद्धि को भ्रमित कर इसे वास्तविकता देखने और समझने में अक्षम कर दिया है। ये क्या हुआ? तुम कोई भी रूप धारण कर लो, मेरे अंगों को क्षति नहीं पहुंचा पाओगी। तुम्हारा कोई भी छल युक्त वार सफल नहीं होगा मुझ पर, नहीं होगा। ये क्या, माता के किसी भी बाण का प्रभाव इस दुर्गमा स्वर पर क्यों नहीं हुआ? ये कैसे हुआ, कैसे संभव है? इससे तो मैं भी अचंभित हूँ, ये कैसे संभव हुआ? देखा देवी, देखा मेरी अजय शक्ति का प्रदर्शन, स्वयं को देवी आदि शक्ति पुकारने वाली। ये तो उचित है कि तुम्हारे प्रत्यक्षदर्शी तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारा विनाश देख उसकी गाथा गाएंगे, संसार को बताएंगे कि वो तुम्हें पूजने की भूल करते थे, क्योंकि तुम कोई महाशक्ति नहीं, अभी तू एक मात्र तुच्छ नारी हो। मैं दुर्गमा स्वर, ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं को पराजित करने वाला दुर्गमा स्वर, तुमसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ मैं, महाशक्तिशाली, महाज्ञानी, महापराक्रमी दुर्गमा स्वर हूँ मैं। दुर्गमा सुर हूं मैं। भैया, हमें स्वयं को शांत रखकर इस विकट परिस्थिति के समाधान का विचार करना चाहिए। भैया, अभी भी कुछ अवश्य है जो इस दुष्ट की सुरक्षा कर रहा है। इसका ललाट, मेरी दिव्य दृष्टि से मुझे इसके ललाट पर वैसा ही तेज दिखाई दे रहा है जैसा तेज गायत्री माता के प्रभाव से दुष्ट अरुणासुर के ललाट पर भी था। इसके भीतर भी ज्ञान संचित है, किंतु ये कैसे संभव है? ज्ञान की देवी वेद माता का हरण किया था इसने, तो अवश्य उन्हीं से कोई ज्ञान प्राप्त किया होगा इसने। भैया, संगति का प्रभाव। अर्थात ये भैया कि जैसे आप मेरी संगति में रहने के कारण इतने चतुर हो गए हैं कि आपने अपनी चतुराई से इसका रहस्य ज्ञात कर लिया, उसी प्रकार अवश्य वेद माता की संगति ही इसकी रक्षा का कारण बन रही है। उनके सानिध्य के कारण ही इसमें वेद का ज्ञान संचित हुआ है। वेद का ज्ञान? हाँ देवराज, इसलिए तो कहा जाता है कि अच्छी संगति में रहने का बहुत लाभ होता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये दुष्ट असुर, जिसने ना चाहते हुए भी अच्छी संगति से ज्ञान तो अर्जित किया किंतु उसका उपयोग ना कर सका, और तब भी वही ज्ञान इसकी रक्षा कर रहा है। माता को तो सब ज्ञात है, मुझे तो उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का माध्यम भर बनना है, जिसका एक ही उपाय है, उस मंत्र का उच्चारण जिसमें समस्त वेदों का सार निहित है। Ha 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 ha!
वेद माता का ज्ञान ही है जो इस असुर की रक्षा कर रहा है। ओह, एक और अस्त्र। इस चक्र की दोनों गति से मेरा मस्तिष्क भी अनियंत्रित हो रहा है। ये कैसी पीड़ा का आभास हो रहा है मुझे? अपार कष्ट हो रहा है मुझे, जैसे मेरा शीश विस्फोट होने जा रहा है। मेरे कर्ण से रक्त प्रवाहित हो रहा है। ये क्या? इस पापी दुर्गमासुर के शीश से ये उजला प्रकाश कैसे प्रकट हो रहा है? यही वो ज्ञान है देवराज, जो इसे सुसंगति से दान में प्राप्त हुआ था। चारों वेदों का ज्ञान। ये ऋग्वेद का ज्ञान उत्सर्जित हुआ, अब यजुर्वेद का ज्ञान। तत्पश्चात सामवेद का ज्ञान और अब अंततः अथर्ववेद का ज्ञान भी उत्सर्जित हो गया उसके मस्तिष्क से। इतनी सहजता से किसी को ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, किंतु तुम्हें हो गई। बलपूर्वक तुमने जिनका हरण किया, वेद की उन्हीं देवी की संगति से तुम्हें इस धर्म के ज्ञान को पाने का सौभाग्य मिला। किंतु तुम्हारे भीतर की बुराई ने तुम्हारे ज्ञान को कभी बढ़ने नहीं दिया, किंतु धर्म के इस ज्ञान ने फिर भी तुम्हारा साथ दिया और कवच बनकर सदा तुम्हारी रक्षा की। यह है उचित ज्ञान का महत्व, जो तुम जैसे मूर्ख अधर्मी कभी नहीं समझ सकते। किंतु अब तुम्हारा ये कवच तुमसे छिन चुका है, इसलिए अब तुम अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ दुष्ट दुर्गमासुर। क्या तुम वास्तव में मान बैठी थी कि मेरी शक्ति का आधार वेद का ज्ञान था? नहीं देवी, नहीं। अपने अनुष्ठान से शक्ति प्राप्त की है मैंने। 94 करोड़ वही अनुष्ठान देवी, जो तुम्हारा पुत्र गणेश भी संपन्न होने से नहीं रोक सका था। यू देवी,
सत्य कह रहा हूँ ना मैं, सत्य। अपना विवश करूंगा मैं तामसिक माता को, और जो आज खोया है उसे पुनः प्राप्त करूंगा मैं। इसी माँ ने तुझे सुझाव दिया था, आज मृत्यु प्रदान करेगी। कल इसी माँ ने तुझे सुझाव दिया था, आज मृत्यु प्रदान करेगी। माता, अजय हूँ माता मैं। आपके कहने पर चौरानवे करोड़ बार अनुष्ठान किया था मैंने। माता ये क्या कर रही हैं आप? माता माता मुझे मुक्त कीजिए, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता माता मुझे, क्योंकि आपने जो कहा मैंने वो ही किया। चौरानवे करोड़ बार अनुष्ठान किया है माता मैंने। ये क्या कर रही हैं आप माता? आप मेरी आराध्य हैं और मैं आपका परम भक्त, इसके पश्चात भी आप मुझे प्रताड़ित कर रही हैं माता। माता ये पुनः इस गुफा में क्यों लेकर आई आप मुझे? कैसा अनुष्ठान संपन्न किया है तूने दुष्ट? बोल बोल, उत्तर दे। वही माता जो आपने कहा था, चौरानवे करोड़ बार की पूजा अनुष्ठान की है मैंने, और ये हिमनम साक्षी है मेरे उस पूर्ण हुए अनुष्ठान के। नहीं ये नहीं हो सकता, ये हिमनम शेष कैसे रह गया? मैंने तो पूर्ण रूप से अनुष्ठान किया था। हाँ दुष्ट, चल अब वहाँ चल जहाँ तेरी नियति तेरी प्रतीक्षा कर रही है। चल! कैसा अनुष्ठान पूर्ण किया था तूने दुष्ट? चौरानवे करोड़ बार पूर्ण नहीं कर सका था तू, और तुझे तेरे अनुष्ठान अपूर्ण रहने का कारण ज्ञात है। मेरा अनुष्ठान अपूर्ण कैसे रह गया? क्योंकि तू ये भूल गया था मूर्ख कि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा अनिवार्य है, तभी वो पूजा सफल होती है। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पूर्व की जाने वाली पूजा में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अनिवार्य हो। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। किंतु तूने तो उनका स्मरण भी नहीं किया मूर्ख, और नागों की प्रार्थना सुन, वो तुझसे नागों की रक्षा के लिए तेरी पूजा के लिए विघ्न कर्ता बने और तेरा अनुष्ठान असफल किया। मुझे विवश किया किंतु फिर भी मैंने तुझे दंडित नहीं किया।
क्योंकि तेरे भीतर वैदिक ज्ञान समाहित हो गया था और इसीलिए आज तक देवी आदि शक्ति ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी थी कि तू अब तेरे पापों की गागर भरकर फट चुकी है। इसीलिए अब तुझे ये दर्शाने के लिए कि अत्याचार कितना भयंकर हो सकता है कोई रोक नहीं है मुझ पे। बहुत समझाया था तुझे। अवैदिक पूजा से भले ही भक्त अपने आराध्य को विवश कर तुरंत उसका फल तो पा जाता है कि तू एक दिवस इसका भयंकर दंड भी भुगतना पड़ता है उसे। आज तुझे ज्ञात होगा कि किसी को विवश कर किसी से सहायता मांगने का कैसा भयावह दुष्ट परिणाम होता है। उद्दंडता भरी हंसी मत हंसो। क्यों अपने अंत को और कष्टदायी बना रहे हो तुम? ये मेरा कष्टदायी अंत नहीं, ये तो तुम्हारी देवी की सफलता रूपी कष्ट से भरी पराजय है। क्योंकि ये देवी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती मुझे। क्यों देवी, तुम्हें ये भी ज्ञात नहीं कि मेरा वध करने में सर्वथा असमर्थ रहोगी तुम? यदि इतनी ही शीघ्र अपने अंत के लिए तत्पर हो रहे हो तो तैयार हो जाओ पापी, तुम्हारा अंत निकट भी है और सुनिश्चित। नहीं, सुनिश्चित है तो बस यही कि मेरा वध कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जिसने वर्षों तक अपनी पलके न झपकाई हो। आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलके न झपकाई हो। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, तथास्तु, तथास्तु। सूर्यास्त होने को है, अब इस दुष्कावत करने हेतु बहुत ही कम समय शेष है माता के पास। यदि ये आज भी शेष रह गया तो ज्ञात नहीं कि कल ये कौन सा नवीन संकट प्रकट करेगा। कदाचित पुनः आवेदिक पूजा कर तामसिक माता को विवश करेगा ही। इसे इसका अवसर ना ही प्राप्त हो तो उचित है। ये भयंकर प्रकाश कैसा है जिसे देखना भी मेरे लिए दुभर हो रहा है। माँ अब अपना योद्धा रूप धारण कर रही है, उनके इस रूप का दर्शन तो हमारा परम सौभाग्य है और इस पापी का दुर्भाग्य।
वापस माता इस दुष्ट को सूर्यास्त के पूर्व नष्ट कर दे। कुछ क्षण और व्यर्थ करने में सफल हो गया और मैं पुनः सुरक्षित हो जाऊंगा। समय व्यर्थ कर रहा है ये दुष्ट। सूर्यास्त तक शेष रहना चाहता है जिससे इसे युद्ध में एक और दिवस की अवधि प्राप्त हो जाए। तुझे तेरी मृत्यु। बस किसी प्रकार आज का सूर्यास्त देख लूं मैं। ना तेरी एक नारी द्वारा अपना अंत करवाने की जिसने वर्षों तक अपनी पलकें ना झपकाई हो। तो लो देख देख मैं विशालाक्षी अनंत काल तक बिना अपनी पलकें झपकाए रही, क्योंकि मैं दीर्घ अवधि अपलक अपने स्वामी महादेव का काशी लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी और आज तेरा काल बनकर तेरे समक्ष खड़ी। विशालाक्षी ने तो कभी अपनी पलकें नहीं झपकी। आज उन्हीं के हाथ उस दुष्ट की पलकें सदा सदा के लिए निस्पंद पड़ जाएंगी, बंद हो जाएंगी। देख दुर्गासुर, देख मुझे दुर्गा रूप धारण कर तेरे समक्ष प्रस्तुत हूँ मैं। अनुष्ठान से प्राप्त शक्ति का बहुत अहंकार है ना तुझे, तो दिखा वो शक्ति। साहस शेष है तो युद्ध कर मुझसे। कुछ ही क्षण शेष रह जाऊं तो सूर्यास्त हो जाएगा।
मुझे ज्ञात है ये दुष्ट अवश्य पुनः समय गंवाने के लिए कुछ करने ही वाला है। मेरी पूजा अवश्य पूर्ण ना हुई हो किंतु देवी आदि शक्ति को पराजित करने की मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया, इसे ही कहते हैं अहंकार। आज तेरे साथ तेरे अहंकार का भी अंत होगा दुर्गमासुर। ला मेरे सहस्त्र हाथों से सहस्त्र अस्त्रों से प्रहार होने का सामना करो। ला देवी मेरे सहस्त्र हाथ तुम्हें सहस्त्र भागों में छत विशत करेंगे। ये सहस्त्र आकृतियां कहां से उत्पन्न हुई, ये क्या माया है? मेरे हाथों को अपना भोजन बना लिया दुष्टाओं ने। और मेरे अस्त्र मुझ पर ही आ गिरे हैं। अब अपनी पराजय स्वीकार करेगा ये दुष्ट। तुम कुछ भी कर लो किंतु दुर्गमासुर को पराजित नहीं कर सकोगे तुम। भक्षक और भक्तों के लिए रक्षक हो। दुर्गा अर्थात वो जो दुर्गम से दुर्गम कार्य को पल भर में पूर्ण करे। दुर्गा अर्थात वो जो दुर्गम से दुर्गम दुष्टता का विनाश कर शांति समृद्धि और धर्म की सत्ता स्थापित करे। दुर्गा अर्थात वो जो पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कामेंद्रियों से उत्पन्न पाप विकारों के आभेद में फंसी आत्माओं को मुक्त कराए। और आज ये दुर्गा दुर्गमासुर का अंत कर उसकी आत्मा को पापमय जीवन से मुक्त करेगी। तो तुच्छ नारी पुकारता रहा ना जिसे, आज वही नारी तेरे अंत के उपरांत दुर्गा नाम से विख्यात होगी। दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ज्ञान वासिनी
दुर्ग मोहा दुर्ग मदा दुर्ग मद स्वरूपिणी दुर्ग मासु। देवी की घोषणा के अनुसार उनका ये रूप देवी दुर्गा के नाम से विख्यात होगा। वो देवी दुर्गा जो किसी भी दुर्गम कार्य को सुगम कर दे। माता, मैं तो अपना कर्तव्य करने इस दुष्ट आत्मा को लेने भर आया था। माता, अब एक भी पग आगे मत बढ़िएगा यमदेव। क्या हो गया है माता को? वो अभी भी इतनी उग्र और अशांत क्यों प्रतीत हो रही है? माँ का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। इससे पूर्व की माता का क्रोध अपने चरम पर पहुंचे और कुछ अनर्थ हो जाए, माता के क्रोध को शांत करना होगा। माता शांत हो जाइए। माता हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, अपने क्रोध को शांत कीजिए। माता अब तो ये दुष्ट आपके पैरों तले है, विनाश हो चुका है उसका, इसलिए अपना क्रोध शांत कीजिए। माता माता हमारी प्रार्थना सुनिए, माता शांत हो जाइए। इस समय माँ माता आदि शक्ति अथवा माता विशालाक्षी के रूप में नहीं, माँ दुर्गा के रूप में है। दुर्गम संकट से रक्षा करने वाली माँ दुर्गा को तो उन्हीं के नाम के उच्चारण से शांत किया जा सकता है। Thank you.
नहीं यमदेव। आपने देखा नहीं, ये पूर्व में कितने बड़े बड़े वचन बोल रहा था, किंतु अब कैसे पूर्ण रूप से शांत है। अर्थात अधन पथ पर चलने के लिए इसे प्रेरित करने वाले इसके प्रमुख अवगुण अहंकार का अब नाश हो चुका है, इसीलिए अब मेरे द्वारा इसका संहार होने पर इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय मां दुर्गा। माँ दुर्गा, आपने इस महापापी का संहार कर हमें दुर्गम संकट से मुक्त किया, किंतु माता उन साधारण जीवों का क्या जो संकट के समक्ष भयभीत हो जाते हैं, उन्हें आपकी कृपा कैसे प्राप्त होगी? माता वो संकट के समक्ष निर्भय कैसे होंगे? पुत्र गणेश ने अभी मेरे जिन 32 नामों का उच्चारण किया, उन सभी नामों के विशेष अर्थ हैं, जो इन नामों के अर्थ समझ के मेरे द्वंतिश नाम माला का जाप करेगा अथवा स्तुति करेगा, वो दुर्गम से दुर्गम संकट से बाहर आने का मार्ग अवश्य प्राप्त करेगा। दुर्गति शमनी दुर्गा पत्ति निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक तवानदा। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्गस्वरूपिणी दुर्गमा सुरसहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी। नमोऽस्तु दुर्गाया मम मानवः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण। अब मेरा ये दुर्गा स्वरूप काशी में स्थित होगा, मैं वही निवास करूंगी और भक्तों पर आने वाले महासंकटों से उन्हें मुक्त करूंगी। देवी दुर्गा मां समर्थानी, देवी दुर्गा, आज आपने दुर्गा मां असुर का वध कर पुनः प्रमाणित कर दिया कि चकचंदी अपने संतानों की
हित के लिए सदैव सजग रहती है। आपकी प्रत्येक लीला संसार के कल्याण के लिए ही होती है। काशी में अनेकों वर्ष तक बिना पल के झपकाए आपने मेरी प्रतीक्षा की, विशालाक्षी बनी। यदि आप ऐसा ना करती तो दुर्गमासुर का वध दुर्गम हो जाता। किंतु प्रिय, अब आपकी संतानें पुनः सुरक्षित हैं, इसलिए अब आपके कैलाश लौटने का समय आ गया है। अंततः इन दुष्ट असुरों के अंत के उपरांत माँ अपने मूल रूप में प्रकट हुई हैं, अर्थात अब ब्रह्मांड में सर्वत्र शांति स्थापित होगी और मुझे कैलाश में माँ के हाथों के मोदक खाने का सुख प्राप्त होगा भैया। अच्छा गणेश, असुरों की चिंता दूर होते ही तुम भोजन की चिंता में पड़ गए। चिंता तो होगी ना भैया, किंतु किंतु इस चिंता में इस बार मैं भी डूबा हुआ हूँ गणेश। मुझे भी माँ के हाथों के पकवान खाने की अत्यधिक लालसा हो रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल कैलाश लौटते ही माँ हमारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगी। ओह, तब तो बहुत आनंद आएगा भैया। और वैसे भी गणेश, कल तो माता का जन्म दिवस भी है। कल चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी और मृगशिरा नक्षत्र है। इसी तिथि की मध्य रात्रि में ही तो माँ ने जन्म लिया था। तब तो कल माँ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बड़े उत्सव का आयोजन करेंगे हम भैया। भैया, अब तो मेरी इच्छा हो रही है कि हम भोर होने से पूर्व ही कैलाश पहुँच जाएं। संसार में अपना गृह, अपना निवास ही वो स्थान है जहाँ पहुंचकर सर्वाधिक सुख का अनुभव होता है। उस असुर के वध के समय माँ के मुख पर जितना क्रोध था, अब यहाँ कैलाश लौटकर उतनी ही आनंदित प्रतीत हो रही है वो। हाँ गणेश, और जब हम उन्हें उनके जन्म दिवस की बधाई देंगे तब तो और भी प्रसन्न हो उठेंगी माँ। किंतु भैया, आपसे पूर्व बधाई मैं दूंगा उन्हें। नहीं नहीं गणेश, बधाई माँ को तुमसे पूर्व तो मैं ही दूंगा। माता, माता आ गई, माता आ गई। माँ, माँ, मुझे कुछ अत्यंत विशेष बात करनी है आपसे। माँ, आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि वो तो उससे भी अधिक विशेष है। माँ क्या पुनः क्रोधित हो रही है? किंतु इसका क्या कारण हो सकता है गणेश? पुनः किसी असुर से उत्पन्न संकट का आभास हो रहा है उन्हें। क्या हुआ माँ? वही जो मेरी अनुपस्थिति में यहाँ होता। यहाँ की व्यवस्था कितनी बिगड़ गई। ये क्या कह रही है माँ? यदि भवन की ऐसी अवस्था है तो स्वामी के ध्यान का स्थल
किस दशा में होगा? इतने बड़े युद्ध में इतने शक्तिशाली असुर का वध करने के उपरांत अब अपने योद्धा रूप को त्याग एक कुशल गृहिणी का रूप धारण कर लिया है माता ने, और अब यहाँ की छोटी से छोटी अव्यवस्था भी उन्हें स्वीकार नहीं होगी भैया। मेरा अनुमान उचित था, यहाँ तो कोई स्वच्छता नहीं, सब कुछ कैसा बिखरा पड़ा है। हाँ स्वामी, अपना ध्यान कैसे करेंगे? माता, हमने तो प्रभु के ध्यान स्थल को स्वच्छ करने का बहुत प्रयास किया था, किंतु हम आपके समान स्वच्छता कहाँ कर सकते हैं? और ये देखिए ना माता, आज के दिवस ही हमने इस स्थान को 3-3 बार स्वच्छ किया है। देखिए, देखिए ना माता, देखिए, देखिए, देखिए ना माता, देखिए ना। हाँ, वो तो मैं स्पष्ट देख ही सकती। मेरा विश्वास कीजिए माता, हमने आपके आदेश के अनुसार प्रभु के इस ध्यान स्थल को प्रत्येक दिवस एक एक पहर ध्यान से बुहारा है, तभी तो यहाँ इतनी स्वच्छता है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रही, वो सूखे पत्ते का ढेर, वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और ये सूखी टहनियाँ, ये सूखे फूल, वाह। माता अवश्य ही यहाँ ना पिछले पहर ही आंधी आई होगी, इसीलिए ये सब। कोई बात नहीं नंदी जी, अब मैं आ गई हूं ना, अब मैं सब संभाल लूं। आप रहने दीजिए ना माँ, हम ये कर देंगे। हाँ माँ, आप जाकर विश्राम कीजिए ना, ये कार्य तो हम भी कर सकते हैं। अब मेरा आदेश ध्यान से सुन, जब तक मैं स्वामी का ध्यान स्थल स्वच्छ नहीं कर देती, मेरे कार्य में कोई बाधा नहीं डालेगा। जाओ और जाकर एक सिरे से खड़े हो जाओ पुत्र, जाओ। देवी जिसने चंड मुंड दाना संहारे, नारी बन के आज स्वयं घर को भी संवारे। घर में वही शिव सेविका भी बन जाए, आंचल से अपने माँ आसन को पोछे, प्रेम और श्रद्धा से प्रभु को बिठाए। का ये गृहिणी रूप देखकर ये कौन कह सकता है कि ये वही माँ दुर्गा भवानी है जो बड़े बड़े महाअसुरों का संहार करती है, जो कुपित होती है तो दानव दलों पर टूट पड़ती है, रण क्षेत्र में अधर्मियों का नाश कर देती है, तो वहीं दूसरी ओर अपने सौम्य रूप में एक कुशल गृहिणी बनकर परिवार के सभी जनों का ध्यान भी रखती है। अब एक ही स्थान पर ऐसे क्यों जड़ गए हो तुम दोनों? जाओ, जाकर शीघ्र तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम दोनों के प्रिय पकवान बनाने जा रही।
कैलाश लौटते ही बिना एक क्षण विश्राम किए तुमने एक माँ और पत्नी का भी दायित्व संभाल लिया। उमा, तुम्हारी प्रतीक्षा केवल मुझे ही नहीं इस कैलाश को भी थी। तुम्हारा पुनः कैलाश में स्वागत है उमा। स्वामी, देवी पार्वती अपने गृहिणी रूप में उतनी ही समर्थ और कुशल है जितनी योद्धा रूप में। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि बहन किसकी है। तो अपनी बहन को उनके जन्म दिवस की बधाई देना ना भूलिएगा। मैं और देवी सरस्वती वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यदि हम उनकी श्रृंगार करने में सहायता नहीं करेंगे तो वो इसी प्रकार संपूर्ण दिवस गृहिणी का दायित्व निभाने में व्यस्त रहेंगी। जाने दीजिए ना भैया, मैं छोटा हूँ ना आपसे। हाँ हाँ अनुज गणेश, मैं बड़ा हूँ तो ये अधिकार भी मेरा है। क्या हुआ अनुज गणेश? हाँ, आप बड़े हैं इसलिए आपका आदेश नहीं टाल सकता मैं। मुझे माँ को सर्वप्रथम बधाई देने की इच्छा तो बहुत थी, किंतु आप ही जाइए भैया, आपका अनुज गणेश पीछे ही रहेगा। ठीक है अनुज गणेश, जाओ माँ को जाकर सर्वप्रथम तुम ही बधाई दे दो, जाओ। क्यों ना ऐसा करें भैया कि हम दोनों एक साथ चलकर माँ को बधाई दें? ये भी उचित है, चलो फिर। तो यहाँ स्थित होकर भी पिताश्री की सेवा का ही विचार कर रही हैं भैया। पुत्र। माँ, आप इतनी चिंतित क्यों प्रतीत हो रही हैं? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मैं कुछ भूल गई? एक बहुत बड़ी बात भूल रही हैं आप। क्या? यही माँ कि आज आपका जन्मदिवस है। किंतु हम नहीं भूले माँ, हमें याद था और इसीलिए हमने आपकी सर्वाधिक प्रिय गुड़ की खीर बनाई है। जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई हो माँ। मेरी ओर से भी आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई माँ। माँ का ध्यान फिर कहीं भटक गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बुआ जी और मामी जी भी माँ के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ आ गईं। अब उनका साथ पाकर माँ अवश्य आनंदित होंगी। प्रणाम महादेव। माँ का ध्यान तो पिताश्री में ही लगा रहता है, किंतु बुआ जी माता सरस्वती और मामी जी माता लक्ष्मी भी माँ को बधाई देने के पूर्व पिताश्री को प्रणाम करने चली गईं, जबकि वो तो अभी भी ध्यानस्थ है। अर्थात माताएं भी पिताश्री को ही अधिक महत्व दे रही हैं। प्रणाम।
प्रणाम बुआ जी, प्रणाम मामी जी। कल्याण हो पुत्र। पधारिए देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती। हे, इतना सब कुछ क्या ले आए आप दोनों? देवी पार्वती, आज आपका जन्म दिवस है तो हम दोनों उपहार के बिना कैसे आ सकती थी। मैं आपके लिए कुछ आभूषण लेकर आई हूँ। और मैं वस्त्र। आपके इन उपहारों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप गृहस्थी के कार्यों से स्वयं को मुक्त कीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि शीघ्र आपको जन्मदिन की बधाई देने के लिए अतिथिगण आते ही होंगे। इसलिए आज आपका श्रृंगार हम दोनों करेंगी। किंतु माँ, उसके पूर्व खीर का तो स्वाद ले लीजिए। ये तो आपको अत्यंत प्रिय है ना? माँ का ध्यान तो अभी भी कहीं और है। ये क्या, माँ अचानक इतनी विचलित होकर क्यों चली गई? मेरा अनुमान उचित ही था। महादेव को आज मैंने कनेर के फूल तो अर्पित किए ही नहीं थे। कनेर के ये पुष्प स्वीकार कीजिए स्वामी। देवी पार्वती के लिए तो महादेव की पूजा ही सर्वोपरि है। उन्हें एक पुष्प समर्पित करना क्या भूल गई वो? ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं ही मुरझा गई हूँ। पिताश्री के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है माँ, उनका कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ती। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, इस प्रकार अचानक चले जाने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। वास्तव में स्वामी को धतूरे, अलसी, चमेली, हरसिंगा, बेल के साथ कनेर के पुष्प भी अति प्रिय हैं, जो मैं भूल गई थी, इसीलिए अब वहीं उनके निकट रखने गई थी। माँ, खीर। बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बहुत आनंद आया पुत्रों। आपके इतने उपहार पाकर भी मैं अत्यंत प्रसन्न, किंतु अब मुझे पुनः अपने कार्य पूर्ण करने जाना होगा। प्रभु के लिए चूही के पुष्प और शमी के पत्रों की माला बनानी, उन्हें समर्पित करनी है। अब गृह के शेष कार्य आप बाद में कीजिएगा। वैसे भी ये पुष्प की माला तो प्रभु आपको भेंट करेंगे, क्योंकि आज आपका जन्म दिवस जो है। बस एक माला बनाने भर का अवकाश दे दीजिए। स्वामी का ध्यान पूर्ण होते ही उन्हें इसकी आवश्यकता होगी। ये माला तो मैं बना दूंगा माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए और तैयार हो जाइए, आज आपका जन्म दिवस है ना? मुझे तुम दोनों के लिए भोजन भी तो तैयार करना है। माँ, आपके लिए खीर बनाते बनाते हम इतनी खीर का स्वाद ले चुके हैं कि हमारा उदर तो पूर्व में ही भर चुका है। हाँ माँ, बेलपत्र भी एकत्रित करने हैं मुझे। वो मैं कर दूंगा माँ। हाँ, किंतु परंतु कुछ नहीं, बस आप चलिए चलिए। आप किस विचार में डूब गए अनुज गणेश? शीघ्र ही अतिथि यहाँ पहुँच जाएंगे,
उसके पूर्व हमें कैलाश की सज्जा भी तो करनी है। भैया आप चलिए, मैं शीघ्र ही ये माला बनाकर आता हूँ। माँ इतनी शक्ति संपन्न होकर भी पिताश्री के प्रति एक छोटी सी भूल सुधारने, उन्हें एक पुष्प देने के लिए इतनी विचलित क्यों हो गई कि बुआ जी और मामी जी को छोड़कर पिताश्री के निकट भागी चली गई। माँ आदिशक्ति है वो, फिर भी पिताश्री को लेकर वो एक साधारण गृहिणी का ही आचरण क्यों करती है? के पूर्व यहाँ सभी कार्य संपन्न हो जाने चाहिए, अन्यथा वो स्वयं इसी कार्य में लग जाएंगी। सभी कार्य उचित प्रकार से करो। प्रणाम गणेश जी। ओ नंदी जी प्रणाम। अरे ये क्या कर रहे हैं नंदी जी, मार्ग दीजिए, मुझे अतिथियों के लिए लड्डू बाहर रखने हैं। अरे अरे नंदी जी, अरे ये आप क्या कर रहे हैं नंदी जी, मुझे विलंब हो जाएगा, सब अतिथि पहुंचते ही होंगे और माँ भी तैयार होकर आती होंगी। लीजिए हो गया कल्याण, किंतु अब मैं ना दीपक गिरने दूंगा ना लड्डू, अन्यथा माँ के यहाँ आने के पूर्व सभी कार्य संपन्न नहीं हो सकेंगे। नहीं नंदी जी, आप वहाँ से मत हिलिए, मुझे इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने दीजिए। माँ के जन्म दिवस पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आज माँ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कई अतिथिगण कैलाश की ओर आते होंगे। Thank you.
बस इतना ही चाहता हूँ कि जैसे ही माँ तैयार होकर बाहर आए, सभी माँ को बधाई देने के लिए माँ के द्वार पर पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएं और माँ को ढेर सारी बधाइयाँ दें। ये क्या, सभी देवगण भी माँ के जन्म दिवस पर भी सर्वप्रथम उन्हें बधाई देने के स्थान पर पिताश्री को ही प्रणाम करने के लिए पंक्ति में करबद्ध होकर खड़े हैं। पिताश्री जगत पिता है, देवेश्वर है, महादेव है, किंतु माँ भी तो जगत जननी देवी आदिशक्ति है। तो फिर सभी पिताश्री को उनसे अधिक महत्व क्यों दे रहे हैं? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? और माँ वो भी पिताश्री की सेवा और पूजा को ही सर्वोपरि मानती है। दुर्गमासुर के वध के पूर्व भी उन्होंने 3 दिवसों के लिए पिताश्री की पूजा का प्रण लिया था। माँ संसार को अनेक विकट संकटों से रक्षित कर उसे संभालती है और पिताश्री तो अधिक समय ध्यानस्थ ही रहते हैं। फिर भी माँ एवं अन्य सभी पिताश्री को ही सर्वोच्च मानते हैं। जिस प्रकार सर्वप्रथम मेरी पूजा होने के पीछे एक कारण है, उसी प्रकार पिताश्री प्रभु महादेव के भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने का भी कोई ना कोई कारण तो अवश्य ही होगा। भैया भैया। नहीं नहीं अनुज गणेश, मैं वहीं आ रहा हूँ। देखो अनुज गणेश, चाहे जो भी हो, माँ को पिताश्री की पूजा के लिए ये बेल पत्र तो मैं ही जाकर दूंगा, तुम कोई अन्य सेवा सोच लो। आपसे सेवा का अधिकार लेने नहीं आया हूँ मैं भैया, मैं तो बस अपनी किसी जिज्ञासा को शांत करने आया हूँ, है ना? तो पूछो अनुज गणेश, क्योंकि तुम्हारी प्रत्येक उलझन को सुलझाने में मैं तुम्हारा अग्रज ही तो तुम्हारा सहायक बनता हूँ। नहीं संकोच मत करो अनुज गणेश, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? भैया पिताश्री तो अधिक समय ध्यान में ही लीन रहते हैं। संसार की रचना हो अथवा दुष्टों का संहार, उनकी अपेक्षा इसमें माँ का ही योगदान अधिक प्रतीत होता है। और मामा जी श्री हरि नारायण सृष्टि के पालनहार, फूफा जी ब्रह्मदेव सृष्टि के सृजन करता है। फिर भी सभी पिताश्री को ही सर्वोच्च स्थान पर क्यों रखते हैं भैया? नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मां। आज तो बड़ी अभूतपूर्व जिज्ञासा जागृत हुई तुम्हारे भीतर अनुज गणेश, किंतु तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये जिज्ञासा भी मैं शांत करूंगा। अनुज गणेश, पिताश्री एक ही स्थान पर ध्यान में स्थित अवश्य दिखाई प्रतीत होते हैं, किंतु वहीं स्थित रहकर भी संसार के समस्त क्रियाकलापों के संचालक वही हैं। संसार के इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें महाशिव तत्व को समझना होगा अनुज गणेश। जब भी कैलाश में कोई उत्सव का क्षण आया है, कोई ना कोई संकट सदा ही उत्पन्न हुआ है। मेरे नामकरण के समय जो विघ्न मायावी रूप धर कर आया था, वो था दुष्ट सिंदूरा। माँ पिताश्री के पुनर्विवाह के समय भी विघ्न आया। उस शुभ घड़ी में जो दुष्ट कैलाश में अपना अधिकार स्थापित करने आया, वो था दम्भासुर। तो क्या इस बार भी कोई मात्र पिताश्री के दर्शन करने नहीं, अपितु सृष्टि के लिए संकट बनने आ रहा है? वह शर्वो रुद्रः पशुपतिरथो ग्रह सह महा यद्विधानाष्टकमिदं
अनुष्मिन प्रत्येकम् प्रविचरति देवश्रुतिरपि धर्मे प्रणिहित नमस्योऽस्मि भवते। मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। संस्कृत के एक श्लोक के अनुसार जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता भी विचरण करते हैं, इसलिए हमें सदा नारी का आदर करना चाहिए।